हेलो एवरीवन, दिस इज योहनी मैम. वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड टुडे एज यू नो कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वन ऑफ द टफेस्ट सर्कल. ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं, सर्कल नहीं चैप्टर, ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम इस चैप्टर से वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम पूरे क्वेश्चंस बना पाएंगे, सेम एज फॉर ट्रिग्नो एंड ट्रायंगल्स. तो मैं उन्हीं तीनों में से ट्रिग्नो ट्रायंगल्स बना चुके हैं ऑलरेडी, इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. और ये मेरा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आज हम करने वाले हैं MCQs. MCQs पे पहले स्टूडेंट बोलते थे कि काश क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा होता तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते थे कि हमने राइट किया है कि नहीं. आजकल बोलते हैं मैम चार चार ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है, मतलब हमारा आंसर इनमें से कौन सा राइट है. मतलब ऑल एंड ऑल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती ही रहती है. आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि MCQs के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे मैंने कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर को मैं कवर कर सकूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे MCQs वाले क्वेश्चन. उससे पे पहले मैं बोलना चाहूँगी, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी. सो डोंट बी लेजी, जस्ट बी बिजी इन योर स्टडीज, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. और आपको बहुत सारी स्टडीज करनी है, अगले ही मंथ आपका पेपर है. प्लीज़ बी सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडीज. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक फोकस होकर आपको स्टडीज करनी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ अ व्हील, मतलब डी इज गिवन 1.4 मीटर. द व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड्स. मतलब कि रिवॉल्यूशन मतलब कि सरकमफरेंस. तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पाई डी. मतलब कि सर्कमफरेंस का फॉर्म वैल्यू है 22/7 × 1.4, यहाँ गया 0.2, जिसकी वैल्यू है 4.4 मीटर. ठीक है, आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन अ वन, ये डिस्टेंस है. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन आ चुका है, और आपके पास टाइम भी है 5 सेकेंड्स. ठीक, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है. आपसे पूछ रहा है स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा ही होता है. और इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में करना है, मतलब कि 18 × 5 भी साथ में चलेगा इसके, और इसका आंसर होगा 4.4/5 × 18 अपॉन 5. ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन सी, 31.68 किलोमीटर पर आर. ये आप, मैं नहीं करूँगी सॉल्व, ये आप करेंगे. आपका काम है कैलकुलेशंस करना, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना और कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं वो भी. ठीक है ना, तो मैं अगर यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 10 कर देती हूँ, देन ऑल्सो इट विल बी जस्ट सिंपली सॉल्व फॉर यू. ओके, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडाई ऑफ टू सर्कल्स 4 and 3, द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द इक्वल एरिया. इक्वल एरिया जहाँ पे आपको इक्वल एरिया निकालनी है. तो अगर रेडाई ऑफ टू सर्कल दिया है तो आपका क्वेश्चन का मतलब है कि पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर के बारे में ये पूछ रहा है आपसे. ठीक है, अब आप देखिए कि क्या आएगा इसका डायमीटर. चलो पहले रेडियस निकाल लेते हैं. तो क्या हुआ, पाई मैंने इससे कॉमन ले लिया, यहाँ से भी पाई कॉमन ले लिया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मैंने अंदर रखा, पाई पाई कैंसिल, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 गिव्स यू 25. तो R का स्क्वायर 25 है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 5. ऑफ कोर्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो डायमीटर क्या आएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10, क्या लिखा है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग, मतलब 2πr की वैल्यू है 88, कितनी है 88 सेंटीमीटर, और 2πr मैं कैपिटल आर रख रही हूँ और इसको स्मॉल आर रख रही हूँ, इसकी वैल्यू है 66 सेंटीमीटर. ठीक, आपको विड्थ ऑफ द रिंग निकालना है, ध्यान से समझिए. तो आप क्या करेंगे विड्थ ऑफ द रिंग निकालने के लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 2πr gives you 88 − 66. ठीक, 2π कॉमन निकाल लीजिए, r माइनस r होती है विड्थ ऑफ द रिंग, अंडरस्टूड. ये देखो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसके बीच के विड्थ, ये वाला पोर्शन निकालना है आपको,
तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है, ठीक है। तो यहाँ कर दिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 22। ये सिंपली 22 तो नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, 2 पाई को उधर ट्रांसपोज करना है क्योंकि अभी आपकी विड्थ निकली ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये 22 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन, दो बार आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 22 कैंसिल, आर माइनस आर की वैल्यू है 7/2। आपके पास ऑप्शन है 7/2, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक। ये है आपकी विड्थ ऑफ द रिंग। अब आते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट टिप है आपके लिए कि इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल टिप है लेकिन तभी भी आप लोगों का दिमाग नहीं चलता है जब क्वेश्चन इस पे आता है, इसलिए अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि इंटरनल एंगल्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट इस पे, द डायमीटर ऑफ अ व्हील, अगेन डायमीटर इज गिवन 1.26, हाउ फार विल इट ट्रेवल फॉर व्हाइल टेकिंग द, कितने रिवॉल्यूशंस, 500 रिवॉल्यूशंस। तो ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो उसका रेडियस निकालिए, 1.26 अपॉन 2, 0.63 होता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन क्या आएगा, 2πr, मतलब कि 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 0.63, यह आपका हटा 0.9 आया, मतलब कि 44 इंटू 0.9, चलिए करते हैं कितना आ रहा है, ये आ गया 36, ये का 39.6, 39.6 आपका वन रिवॉल्यूशन का है, ऐसे कितने रिवॉल्यूशन है, 500, तो सॉल्व करते हैं, 39.6 इंटू 500, पॉइंट हटा, नीचे एक डेसिमल आया, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 396 इंटू 50 आया आपके पास, करते हैं सॉल्व, ये आ गया 40, 45, 48, ये आ गया 19 और ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1980 मीटर, आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, चेक करते हैं, चलिए मीटर है, यहाँ पे सब मीटर में है, ओके, ऑप्शन सी इज राइट, 1980 मीटर, ठीक। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, मतलब 2πr1 अपॉन 2πr2 आर इन रेशियो, कितना, 4/9, 2π 2π कैंसिल, r1/r2 की वैल्यू है 4/9, तो आपको एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ, एरिया आर ऑल्सो इन रेशियो, एरिया 1/area 2, ठीक, क्या है, πr1² / πr2² πr कैंसिल, 4² = 16, 9² = 81, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, आ गया आपके पास, ठीक। देखिए कितनी सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, कभी हमने सर्कमफेरेंस यूज़ किया, कभी हमने एरिया यूज़ किया, कभी हमने पेरीमीटर यूज़ किया, कभी हमने डायमीटर को रेडियस बनाया, कभी हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्वेश्चन को सॉल्व किया कुछ इस तरह से, तो इसमें से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब चेक करते हैं ये सब करेक्टली डन है कि नहीं है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट, ये करेक्ट, यहाँ पे देखते हैं ये करेक्ट, हाँ, यहाँ पे 10 रिवॉल्यूशंस हमने नहीं देखा है, तो यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन का आया है, तो डिस्टेंस इन 10 रिवॉल्यूशंस क्या होगा, 10 रिवॉल्यूशंस के लिए आएगा 4.4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 44, तो ये आपका सिंपली 44 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आप सिंपली 44 लिखेंगे, यहाँ पे 10 करने की ज़रूरत नहीं है, अब एकदम करेक्ट है ये 44 इंटू, ठीक है, 44 अपॉन 5 इंटू 18/5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर डेफिनेटली यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ अ व्हील ऑफ डायमीटर, डायमीटर इसकी वैल्यू है 7/11, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील इन वन राउंड, कितना राउंड, वन राउंड में कितना आएगा, पाई डी, मतलब 22/7 इंटू 7/11, 2, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 4 × 1000 कितना आया, 4000, ठीक। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ध्यान से समझिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस इन वन राउंड, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है, कर लिया आपने, तो 4000
अपॉन टू विल गिव यू 2000 राउंड्स. कहाँ है आपका आंसर? ऑप्शन सी. डन. ठीक, अब आते हैं इस पे. द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस दिस इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. मतलब सर्कुलर वायर को बेंट किया गया है और उसका रेडियस है. तो पहले सर्कमफेरेंस निकाल लें. पेरीमीटर ऑफ द वायर, और ये है सर्कुलर बोला तो 2πr होगा. 2πr मतलब 2 × 22/7 × 42. ये कट किया आपने, यहाँ आ गया आपका 44 × 6 विल गिव यू 264 मीटर. ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर लिखिए. ये है आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर वायर. ठीक है, कौन सी वायर? सर्कुलर वायर. ओके, नाउ सर्कुलर वायर का पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, देखिए क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसी को क्या किया गया, रीबेंड किया गया है. तो 264 इज इक्वल्स टू 2 × L + B जो है आपका वो रेशियो में गिवन है. मतलब 6x + 5x कर दीजिए. ये कहाँ से आया? 2 × L + B होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो चलिए करते हैं इसको यहाँ ट्रांसपोज. 132 इज इक्वल्स टू 11x. तो x इज इक्वल्स टू 132/11 विल गिव यू 1 और 2. x की वैल्यू आ गई 12. अब आपको पूछ रहा है वो स्मॉलर साइड. इन दोनों में से स्मॉलर साइड क्या है? 5 है. तो 5 × x मतलब कि 5 × 12 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ये है आपकी स्मॉलर साइड. है आपके पास 60? हाँ है. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. तो ये था इसका सॉल्यूशन. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. टू सर्कल्स टचेस इंटरनली. ठीक है, ओके. द सम ऑफ देयर एरियाज मतलब π r² + π r² विल गिव यू 116π. तो r² + r² विल गिव यू 1600π. और ये रहा आपका π कैंसिल, आ गया आपका सिंपली सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू. ठीक है, अब ध्यान से समझिए. इनके डिस्टेंस किसके किसके बीच का डिस्टेंस? r1 माइनस r2 का डिस्टेंस है 6. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है सेंटर्स का 6 है. तो क्या हुआ, r1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 + r2. या r2 यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा. मतलब r1 की प्लेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 6 + r2. अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में रख के देखिए. r1 का स्क्वायर मतलब 6 + r2 का होल स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116. 6 का a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? 36 + 12 r2 + r2 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर −116 = 0. ठीक है, 116 में से 36 माइनस करेंगे तो आप आएगा 80. तो आ गया आपका 2 r2 का स्क्वायर + 12 r2 − 80 = 0. ठीक, अब आप क्या करेंगे, इन सब को डिवाइड करेंगे 2 से. तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया आपने तो क्या आया आंसर? r2 का स्क्वायर + 6 r2 − 40 = 0. अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. यहाँ पे आपको एक टिप दिखी होगी जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया. वो इसलिए नहीं किया कि आपको 40 के फैक्टर्स निकालना सिखा रहा है. 2 × 20 भी 40 होता है, 4 × 10 भी 40 होता है और 1 × 40 भी 40 होता है. ठीक है, तो 4 और 10 में हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि 10 में से अगर मैं 4 माइनस कर देती हूँ तो उसका आंसर 6 आता है. तो क्या मेरा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? बिल्कुल होगा. देखिए कैसे, r2 का स्क्वायर + 10 r2 − 4 r2 करेंगे तो 6 r2 आएगा और 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 r2 का स्क्वायर आ ही जाएगा डेफिनेटली. ठीक है, अब आपको करना है इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन. चलिए करते हैं. r2 कॉमन ले लीजिए, r2 + 10 आ गया यहाँ पे. −4 कॉमन ले लीजिए, r2 + 10 आ गया यहाँ पे भी. एक आपका फॉर है r2 − 4 को 0 से, तो r2 की वैल्यू आई 4. एक आपके पास है r2 + 10 को 0 से, तो r2 की वैल्यू आई −10, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि कभी रेडियस माइनस में नहीं आ सकता. तो अब इस r2 को रखेंगे इस सिचुएशन पे.
ठीक है, तो R1 निकल जाएगा आपका, R1 is equals to 6 plus 4, मतलब R1 is equals to 10. तो आपके पास दो नंबर हैं, एक है 10 के लिए, एक है 4 के लिए. तो क्या आपके पास ऑप्शन में 4 और 10 है? बिल्कुल है. ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर. तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ था आपका डन. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज गिवन. सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालें, पहले सर्कमफेरेंस गिवन है. सर्कमफेरेंस क्या होता है? 22, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 22. इसमें से आर निकालिया, 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. 22 कैंसिल, आर की वैल्यू आई 7 अपॉन 2. अब इसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें, मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर का फोर्थ हिस्सा, मतलब 22 बाय 7 इंटू 1 बाय 4 रहेगा ही, और 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2 रहेगा ही. ठीक है, 7 कैंसिल, 2 11, क्या है आपके पास? 77/8. देखें, एकदम करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ योर डन. तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे. ठीक, ऑप्शन ए आ गया आपके पास आंसर. नेक्स्ट करते हैं, आप पहले इसको पैक कर लेते हैं और दूसरी पेन यूज़ करते हैं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज. नेक्स्ट है एरिया ऑफ एनुलस. एनुलस क्या होता है? एनुलस एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको आराम से इस तरह का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें आपको रिंग पता हो. ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ. एरिया कैसे निकलती है रिंग की? कैसे निकलती है रिंग की एरिया? एनुलस का निकालना है, ये पार्ट है आपका, है ना? तो पाए आर वन का स्क्वायर माइनस पाए आर टू का स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पे अगर आर टू बढ़ा है तो आर टू माइनस आर वन कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये आर टू है और ये आर वन है, तो आर टू कैसे आर वन माइनस होगा? तो पाए कॉमन निकलेगा, आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर. अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, तो आ गई आपके एनुलस की वैल्यू, और ये है आपका ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देखिए कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है, बिल्कुल बिना रुके. ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे. क्या है यहाँ पे? पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल. पाई पाई कैंसिल, ठीक, आर एंड 1 आर इज ऑल्सो कैंसिल. तो आर की क्या वैल्यू आई? 2. ठीक है, अब इसको पूछना है डायमीटर. डी इज इक्वल टू वॉट? तो 2 इंटू 2, 4 यूनिट्स. आ गया आपके पास आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ध्यान से समझिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ऑल साइड्स इक्वल. तो अगर रेडियस, अगर इसका साइड आर है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर साइड आर है, तो इसका रेडियस आर बाय टू होगा, ये याद रखिए आप. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये आधा जस्ट इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ऑफकोर्स ये पूरा टच कर रहा है ना उसको, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आर बाय टू होगी. रेशियो पूछ रहा है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो इक्विलेटरल ट्रायंगल से, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो क्या आएगा? पाए आर तो स्क्वायर है ही नहीं ना, ये आर बाय टू का स्क्वायर है और ये रूट थ्री बाय फोर आर स्क्वायर है. ठीक है, करते हैं सॉल्व. पाए आर स्क्वायर अपॉन फोर और ये है रूट थ्री बाय फोर आर स्क्वायर. आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, फोर और फोर कैंसिल. क्या है आपका आंसर? पाए रूट थ्री. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, आगे आपका आंसर. देखिए कितना सिंपली. तो होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते जा रहे हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है. ठीक है, चलिए लेट्स सी. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट स्लाइड है आपकी. क्या देखिए, ट्रिक है आपके पास. ट्रिक ये है कि एरिया एंगल जो होता है सेमी सर्कल पे, वो राइट एंगल होता है. ध्यान से समझो वो कैसे बनता है. अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो एंगल हुआ, अगर ये है तो ये 90 डिग्री बनेगा आपका. क्या बनेगा? 90 डिग्री. अगर सेमी सर्कल ऐसा है और एंगल यहाँ है, तो भी बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री. तो याद रखिएगा कि सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है जो आपको while doing the questions you have to keep it in your mind. Next करते हैं. The radius of two concentric circle is r.
देखिए R1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 6 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, दोनों के में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं, 36 अपॉन 9 है क्या, बिल्कुल 36 अपॉन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स में मिल गया आपको 36 अपॉन 9, यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो क्या करना है इसको, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है यहाँ पे, ठीक। क्या मिस्टेक है, मिस्टेक है क्या, यस देखते हैं, 18 अपॉन 8, 9 अपॉन 4, ये रहा आपका फाइनल आंसर, आपको बस फाइनल आंसर तक आना था, ठीक है। आ गया आपके पास 9:4, ठीक। तो ये आपका रेशियो था जो ऑप्शन ए में राइट करेक्टली रिटर्न है। इफ़ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विद डायमीटर D1 एंड D2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द, ओके, अगर आपका सर्कमफेरेंस कैपिटल का ये है डायमीटर के, डायमीटर के साथ लिखोगे तो पाई डी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर, चलिए टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर मतलब पाई D1 प्लस पाई D2, ठीक है। अब इनमें से पाई कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकलेगा आपका, पाई कॉमन D1 प्लस D2, ओके, पाई पाई कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आई, D1 प्लस D2, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक। तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड का, टू मोर क्वेश्चंस डन, ठीक। व्हाइल मेकिंग 1000 रिवॉल्यूशंस अ व्हील कवर्स 88 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील कवर्स 88 किलोमीटर, मतलब रिवॉल्यूशन भी पता है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन अ वन राउंड, ठीक, वन रिवॉल्यूशन या वन राउंड जो भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसमें 1000 है, यहाँ पे है टोटल डिस्टेंस 88 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो ये हो गया आपका 1000 अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया, ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं और क्या आएगा आपका आंसर देखते हैं, सर्कमफेरेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 88 × 1000 upon 1000, ठीक, ये दोनों कट गया, ओके, क्या आया आपका 88, किसकी वैल्यू, 2πr की, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 88 upon 2 × 7 upon 22, ये गया आपका, ये आपका गया 44, ये आपका आ गया 2, r की वैल्यू है 14, क्या पूछा आपसे, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, 2 × 14, क्या आया, 28 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में है क्या आपके पास, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, तो आपका आ गया ऑप्शन सी विद द करेक्ट आंसर, ठीक, डन। इफ द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, हुज एरिया इज गिवन, एरिया इज गिवन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7 upon 22, 11 2 ज़ा 11 14 ज़ा, ठीक है, फिर ये हो गया 7, तो r की वैल्यू क्या आई आपकी, 7, क्योंकि r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू 7, आ गया आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बहुत सिंपली सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द, इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन टू की एरिया दी हुई है 15400 मीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ की, देखते हैं चलिए, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 15400 × 7 upon 2 × 22 × 2, इधर भी है 2 2 कैंसल, 11 2 ज़ा 11 14 ज़ा
7 जा मतलब r की वैल्यू आ गई आपकी 10 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। आप देख सकते हो दो 7 है और एक 100 है, 100 का मतलब यही होता है। तो r की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली 10 इंटू 7 70। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पेरीमीटर ऑफ द फील्ड मतलब सेमी सर्कुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है 2πr का हाफ प्लस 2r, ये कैंसिल, 22/7 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 70, ये कटा आपका 10 आया, 220 प्लस 140 रूट में भी आ रहा है, देखिए आपका आंसर तो क्या 360 मुझे दिख रहा है, 360 रूट 2 दिख रहा है मुझे। और रूट 2 कैसे आता है देखते हैं अभी ध्यान से कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, लेट्स सी, चलिए देखें कहाँ पे आ रही है, ये है प्रॉब्लम यहाँ कहीं पे। तो पहले इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको और प्लेस मिल सके। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं अभी रब, इसको रब करने के बाद आपका शायद आंसर परफेक्टली आ जाए, मे भी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, देखते हैं। पाए आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15400 मीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15400 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, 2 क्यों आया यहाँ, 2 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 22 आना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं लिख देती हूँ 1 जा, ये आ गया आपका 14000, यहाँ आ गया आपका 9800 आर स्क्वायर की वैल्यू, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 70 रूट टू। ठीक है, आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई 70 रूट टू। अब यहाँ पे आएंगे आप सेमी सर्कल के पेरीमीटर पे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या निकलेगी, 2πr का हाफ जो कि 22 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2r, मतलब 22/7 इंटू 70 रूट टू प्लस 2 इंटू 70 रूट टू। ठीक, ये आ गया आपका 10, 220 रूट टू प्लस 140 रूट टू गिव्स यू 360 रूट टू, अब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π टू 8π, मतलब एक पहला सर्कमफेरेंस है आपका 44π, ठीक, कैंसिल, पाए पाए कैंसिल, r1 की वैल्यू आ गई 4/2। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका 2πr2 की वैल्यू आ गई 8π, पाए पाए कैंसिल, r2 की वैल्यू आ गई आपके पास 8/2, 4। ठीक, अब इट्स एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाए आर स्क्वायर, मतलब पाए तो वहीं रहेगा, 4π आ जाएगा आपका आंसर r रखने पर, r को 2 रखेंगे तो 4π आ जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा r2 के लिए, पाए r2 के लिए, ठीक है, क्या आ गया 16π, 4 टाइम्स बढ़ गया, देखिए आप 4π और 16π कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स, जिसको बोलते हैं क्वाड्रपल्ड, न हाफ ना डबल ना ट्रिपल, इट्स क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स। पहले आपका r1 के साथ आपने πr² निकाला तो 4π निकला, फिर r2 आपका 4 है तो उसके साथ निकाला आपने r² निकाला तो 16π, 4 से सीधा 16π हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ा, तो क्या हो गया आंसर, क्वाड्रपल्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, स्टील वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस द एरिया दिस, मतलब कि एक स्टील वायर को बेंड किया गया है स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब एक अगर मेरे पास ये लंबी वायर है, अगर ये मेरे पास लंबी वायर है और मैंने इसका स्क्वायर बनाया तो मैंने इसका पेरीमीटर कवर, देखते हैं कि पेरीमीटर क्या निकलता है, 4 × साइड होता है पेरीमीटर। ठीक, Encloses the area, the wire is in the form of square encloses the area. Encloses the area मतलब एरिया निकालना है, ठीक, एरिया उस स्क्वायर से बनती है
मतलब उस वायर से इसका स्क्वायर का बनता है एरिया 121, तो साइड क्या निकल जाएगा 11, ठीक है, साइड आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर सर्कल के फॉर्म में सेम वायर को बेंट किया जाता है तो मतलब कि ओके देन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या निकलेगा, मतलब 2πr क्या होगा। तो आप देखिए कि इसमें हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला समझना, ठीक है, वो समझते हैं पहले। वो आप ये समझोगे कि इसका साइड तो निकल गया, अभी मैंने आपको क्या बोला कि वायर को ऐसे बेंड करना है कि आप उसको स्क्वायर बना सको, ठीक है, तो आपने स्क्वायर बनाते समय एरिया तो देखा ही नहीं, आपने क्या देखा उसका पेरीमीटर। तो इस साइड से पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो निकलेगा वही सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकल सकता है, क्योंकि वायर जो है वो सेम यूज़ हुई है, उसी लेंथ की यूज़ हुई है। तो 4 इंटू साइड क्या हुआ 44 सेंटीमीटर, और यही आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, कितना 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, अ रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, ओके, द इनर सर्कमफेरेंस एंड द आउटर सर्कमफेरेंस आर गिवन, ओके, आउटर एंड इनर, आउटर सर्कमफेरेंस है मतलब 2πr की वैल्यू दी हुई है 396 सेंटीमीटर, और 2πr की वैल्यू दी हुई है 352 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ द ट्रैक मतलब ये निकालना है आपको, तो 2πr माइनस 2πr, कॉमन ले लिया πr, इन दोनों को माइनस किया, क्या निकला आंसर, माइनस करने पर 352 सब्ट्रैक्ट करो या 444, मतलब r माइनस r की वैल्यू अभी भी नहीं निकली है, 44 अपॉन 2πi करोगे, पाए मतलब 22/7 होता है, ये 7/22 हो जाएगा, ठीक है, ये 2s, ये हो गया आपका 2s, नहीं ये 1s, ये 2s, ठीक, फिर ये 2 कैंसिल, r माइनस r की वैल्यू आ गई आपकी 7 मीटर, डन, ठीक, इसको आप रब कर लीजिए, फिर से बना लीजिए, ये 1s है, ओके, तो r माइनस r की वैल्यू 7, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में है, सॉरी, तभी तो आपका रिंग की जो ट्रैक की जो रिंग है, ट्रैक की जो विड्थ है वो कितनी आई है, मीटर में आई है, ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। AOB इज अ सेक्टर, ओके, रेडियस इज 10.5, ओके, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, दोनों सेम हो गई, ठीक है, तो द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, द पेरीमीटर और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर, बहुत बढ़िया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर और पेरीमीटर, तो आर्क की लेंथ भी तो पता करनी पड़ेगी, आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले लेंथ ऑफ आर्क ये क्यों निकालें आपको बताती हूँ, जब तक ये नहीं पता करेंगे तब तक इन सब का सम कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 2πr, ठीक है, तो चलिए 60/360 × 2 × 22/7 × 10.5, ये निकल गया आपका 1.5, ठीक है, यहाँ है आपका 1s, ये आपका 6s, ये 1s, ये 3s, ये 1s, ये 0.5s, तो आपका 22 × 0.5 है। चलो करते हैं 11 0 0 1 1 0 11, कितना है आपका 11 सेंटीमीटर, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। अब निकालो आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या करोगे आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में, OA प्लस OB प्लस आर्क AB, ये सबको प्लस करना है आपको, तो 10.5 + 10.5 + 11 10.5 10.5 21 होता है, 21 और 11 32 होता है, आंसर आ गया आपका, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। इसीलिए आपका लेंथ ऑफ आर्क निकाला गया है, क्योंकि आप उस पोर्शन को प्लस कर ही नहीं पाओगे जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं रखोगे, बिकॉज दे आस्क फॉर पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर में हम सारे जनरली पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, ठीक है, तो वही किया हमने, तो डन इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, द सम ऑफ रेडाई ऑफ टू व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर इज दिस, मतलब R1 + R2 का सम है 98 सेंटीमीटर,
एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरकमफेरेंस, मतलब 2π r1 माइनस 2π r2 का डिफरेंस है 176 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिगर. ओके चलिए निकालते हैं. 2π कॉमन ले लेते हैं, यहाँ r1 माइनस r2 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 176. तो r1 माइनस r2 की वैल्यू आ जाएगी 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. इसको सॉल्व करते हैं, यह आ गया आपका 8, यह आ गया आपका 1, यह आ गया आपका 4. ओके तो डन यहाँ तक. कितना कि r1 माइनस r2 की वैल्यू है 28 और r1 प्लस r2 की वैल्यू है. ठीक है तो चलो अब थोड़ा सा प्लेस ले लेते हैं इस वाले क्वेश्चन से. देखिए क्या है, r1 प्लस r2 की वैल्यू है 98, r1 माइनस r2 की वैल्यू है 28. दोनों को प्लस कर दो. प्लस किया तो ये r2 कैंसिल हो गया. 2r1 की वैल्यू आ गई आपकी 16, 126. तो r1 की वैल्यू क्या आई, r1 की वैल्यू आ गई 126 अपॉन 2, 63. तो r2 की वैल्यू आ जाएगी, आराम से रखिए, 98 माइनस 63 कितना आया, 35. ठीक, r2 की. अब यहाँ पे बोल रहा है बिगर सर्कल, बिगर सर्कल बिगर डायमीटर क्या होगा देखते हैं. चलो पहले 63 इंटू 2 करते हैं तो आ जाएगा 126 सेंटीमीटर. बड़े रेडियस का बड़ा डायमीटर, तो r1 का बड़ा डायमीटर 126 आंसर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है आ गया आपका आंसर. इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा और. इतना काफ़ी है ठीक है. और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर, इसको हटा देते हैं, ये ऊपर कर देते हैं हम. ठीक है जो करना है. इन r1 और r2 में से क्या बिगर है, 63 बिगर है. तो 63 इंटू 2 करेंगे तो बड़े वाले डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है 126 सेंटीमीटर आंसर. ठीक है तो आई होप ये क्लियर होते जा रहा है एक एक चीज़. 65th क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. The sum of areas of three sectors, sum of areas of three sectors are, three sectors of radius are formed at the vertices of the triangle. मतलब आपको पता ही नहीं है ना कि कितने हैं. तो क्या किया आपने, तीन सेक्टर है ना, तो 60 60 60 180 कर दिया. 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो क्या आया 1/2. क्या आया आपका आंसर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या किया, थ्री सेक्टर्स ऑफ रेडियस आर, मतलब आपने तीन सेक्टर्स निकाले और क्या निकाला, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर ऑफ रेडियस आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस से भी है बात इस पे. तो ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर तीन सेक्टर्स हैं और तीनों को मैं रेडियस आर ले रही हूँ, सब साइड्स इक्वल, तो सारे एंगल्स इक्वल. सारे एंगल्स इक्वल कब होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और उसका डिग्री कितना होता है 60. तो तीन सेक्टर्स ऐसे बने हैं तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180. 180 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 180 थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. सॉल्व किया आ गया आंसर. ठीक है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये था आपका फॉर दिस स्लाइड, सॉल्यूशन फॉर दिस स्लाइड. नेक्स्ट है इस स्लाइड पे बात करते हैं हम. ठीक है यहाँ पे क्या है आपके पास, मैच, माय फेवरेट टॉपिक मैच. इससे पहले भी कोई मैच आया है क्या आपके पास, देखते हैं. चलो मैच मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ मैच था जो हमने मिस किया है. चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डी, ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला डी मतलब कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, चौथा हिस्सा एरिया का, फोर्थ पार्ट, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, एरिया ऑफ सर्कल का फोर्थ पार्ट. ठीक, नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत सिंपल. बी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक. एंड देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है पाई आर प्लस 2r. ये हो गया आपका एफ. तो ये आपका ऑप्शन जाता है, 1 से ए बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 से सी ये मैच नहीं कर रहा, ये रॉन्ग हो गया. 1 से बी तो रॉन्ग हो गया, 1 से डी ये मैच कर रहा है, 2 से बी यस ये मैच कर रहा है, 3 से ए ये मैच कर रहा है, और ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी. तो इस मैच के लिए आपका आ गया ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर. ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट मैच पे.
मैच यहाँ पे क्या है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी किया हमने थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो फर्स्ट है इसका, ठीक। देन है आपका क्या, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2R, अभी अभी हमने निकाला है ये क्वेश्चन पे, जिसके लिए हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाली, इतना बड़ा काम किया यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ही तो पूछा है, ठीक है। क्या क्या किया हमने, दोनों रेडियस को प्लस किया, मतलब 2R और लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आपका, देखिए 2R प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो ये 2 है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है आपका, आप देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपका आएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट भी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर बात करूँ मैं तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी माइनस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ जाता है, यस ये भी राइट है। तो 2 से C को मैच कर लेते हैं हम, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में आपका दिखा देते हैं, यस ये मेजर सेगमेंट आपका ये आ जाएगा, ठीक। मेजर सेगमेंट की वैल्यू ये आ सकती है, ओके। तो लेट्स गो फॉर दी करेक्ट आंसर। 2 से हम C का मैच कर लिए और 3 से हमने D का मैच कर लिया, ठीक है। तो 3 से D का मैच है यहाँ पे, तो D पे D नहीं लिख करके हम इसमें 3 लिखते हैं, ओके। नाउ गो फॉर दी नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज दैट, फोर्थ क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट, तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड भी हो सकता है, तो क्या आएगा आपका, ये क्या हो गया, लेट्स सी, हाँ आ गया, सॉरी। तो ये क्या है आपका, फोर्थ का पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस करेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये अगर हमने कर दिया तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर निकल सकता है, बिल्कुल करेक्ट, ये फोर्थ आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि बाकी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका फोर्थ से ई ये सारे के सारे हैं, 3 से डी ये 3 है, मतलब ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, 2 से सी ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये इसको तो छोड़ दो, अब इन तीनों में से देखने हैं, 1 से ए सिर्फ एक है और वो है आपका ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लर्न होना कितना ज़रूरी है, फॉर्मूला लर्न नहीं होने की वजह से आपको मैच में भी टाइम लग सकता है, ठीक है, कहने का मेरा ये मतलब है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सेंट्रल है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्कल 180 डिग्री होता है, ध्यान से देखिए, यह आ गया आपका 180 डिग्री, ठीक है, और ये भी आपका आपका 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 होता है। अब 180 में से आपका सेंट्रल एंगल का भी आप माइनस कर दोगे तो कितना डिग्री आएगा, 0, तो ऑप्शन ए इज डन, ठीक। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस इज गिवन 4 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 15 मिनट्स, पहले एक से एक सेकंड जब हम लोग कवर करते हैं तो ऐसे 1 डिग्री कवर करते हैं, टोटल कितनी डिग्री कवर किए, 60, है ना, एक किए तो कितनी हो गई 1 डिग्री, तो 1 से कितनी बार हम लोग जा रहे हैं, हम लोग 360 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा, लेकिन अगर हम लोग मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया आपका 6, ठीक, ये आ गया आपका 6। आपको कितने मिनट्स में करना है, कितने मिनट्स में करना है, 15 मिनट्स में करना है, क्या, एरिया स्वेप्ट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कवर करना है, क्या आएगा देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। आपका थीटा है 60, 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपको डिग्री निकालनी है, एक्चुअली एंगल निकालना है, ओके एंगल निकालना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, कैसा बनेगा देखिए, इसको रब कर देते हैं, तो ये देखिए ये निकला आपका 1 मिनट का एंगल, आपको निकालना है इन 15 मिनट्स, सो एंगल स्वेप्ट इन 15 मिनट्स कितना होगा, 6 × 15 आ गया आपका 90 डिग्री, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। अब आते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज दिस, तो बेस इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा आपका कितना,
6, अगर ये 3 है तो ये पूरा 6। एल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेनस इज ऑल्सो गिवन, मतलब BC आपका कितना निकलेगा, 3 × 2, 6, और यही आपका बेस है, ठीक। आपकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो कितनी निकली, हाफ 6 × 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका ऑप्शन बी राइट, ठीक, ये एकदम क्लियर सिंपल। नेक्स्ट है एरिया। अब यहाँ देखिए एरर क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेक द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एज लेंथ ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को लेंथ ऑफ सेक्टर समझ लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग है, ठीक है। एंड एट द ट्वाइस ऑफ रेडियस इन द लेंथ ऑफ सेक्टर, और क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस को लेंथ ऑफ सेक्टर में ऐड कर देते हैं ताकि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मिल जाए। पूरी चीज़ें रॉन्ग, सिंपली फार्मूला ना लगा के उन लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं और सब कुछ हो जाता है रॉन्ग, वो आप लोगों को नहीं करना है, अवॉइड दिस थिंग, ओके, ये आप अवॉइड कर लीजिए, तो आपके आगे क्वेश्चंस इस पे बेस बन जाएंगे। आपको सिंपली इस चैप्टर में क्या करना है पता है, ये जो विजुलाइजिंग पावर है ना वो परफेक्ट रखनी, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, आपको प्रॉपर दिखना चाहिए कि आपके फिगर में क्या चीज़ शेडेड है, क्या अनशेडेड है, किससे किसको निकाल के बाहर फेंकना है और कितना आपको निचोड़ उस चीज़ का चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस इज गिवन, एरिया इज गिवन, जस्ट यू नीड टू पुट द फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, ये आपको निकालनी है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक। इस ये आपको बस इतना मैंने हिंट दे दिए, आपको ये इस पे बेस्ड करना है क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेजर ऑफ क्या, सेमी सर्कल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल। अब मैंने सेमी सर्कल का तो बता दिया 180, सर्कल के अराउंड पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये 180 ये 180 दोनों को मिला के 360। अभी इसी से बेस्ड क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमने सेमी सर्कल का सप्लीमेंट्री निकाल रहे थे, सेमी सर्कल का एंगल होता है 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 से माइनस कर दो तो सप्लीमेंट्री निकल जाता है, ठीक है। तो 180 माइनस 180 यहाँ जीरो हो गया, और यहाँ क्या कर दिया आपने, सेंट्रल एंगल सर्कल का निकाला, 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक। तो होप ये वाला स्लाइड भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं अब हम ये वाली स्लाइड, देखिए यहाँ पे क्या है, कितना सिंपल दिया हुआ है, 3 डिग्रीज आपको दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तीनों डिग्री की एरिया को प्लस कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा कितने हैं आपके पास, 80 प्लस 40 प्लस 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7, है ना, रेडियस आपका दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस करिए आप, 120 और 60 180 180 अपॉन 360 इंटू 22 × 7, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 11 जा, कितना आया, 77 है क्या, ये देखिए आपके पास 77 है आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, जितना डिफिकल्ट लग रहा था आंसर उतना ही सिंपल। एंगल सेमी सर्कल पे राइट एंगल बनता है, बताया है मैंने आपको, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये तो बहुत सिंपल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, ठीक, ये है इसका मतलब। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कितनी है पी क्यू की वैल्यू, ध्यान से देखते जाइए। अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में शायद टाइम लगे या स्पेस ज़्यादा लगे। पी क्यू आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और ये आपका 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 256 होता है, ध्यान से देखिए, चलिए करते हैं, 24 × 24 16, ये 9, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 576 होता है,
तो 570, 256 कैसे हो सकता है? 20 का ही स्क्वायर 400 से ऊपर हो गया, तो 24 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स उससे बड़ा ही होगा ना, तो हो गया कितना हुआ, कैंसिल करते हैं इसको, 576 और ये हो गया 49. 576 प्लस 49 करके देखते हैं कितना आता है. ये 5, ये आ गया आपका 3, अरे बाप रे, ये तो हो गया आपका, नहीं 25 है, 625. ठीक, आ गया आपका 625 आंसर. तो ये है 625. 625 QR का स्क्वायर है और QR कितना आएगा, 25. आ गया आपके पास इतनी वैल्यूज. ठीक, मतलब आपका PR, QR ये सब आ गया. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन में PQ की, QR की वैल्यू है 25, तो RO की वैल्यू कितनी होगी या OR की वैल्यू कितनी होगी, 25 का हाफ, क्योंकि PQ तो आपका डायमीटर है ना पूरा, ठीक है, इसका हाफ. अब पूरे सर्कल में से इस एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, निकल जाएगा आपका शेडेड रीजन. करें, चलिए करते हैं. 22/7 × 25/2 × 25/2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस है आपका PQ ले लो, PQ कितना है 24, और हाइट ले लो आप PR, ये हो गया 7, ये हो गया 12. ठीक, तो ये आपका कितना आएगा, 3.14 × इसको ले लो 12.5 × 12.5, ठीक है, माइनस ये कर दो आप 84, ठीक है. अब ये सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये हो गया 100 नीचे, यहाँ हो गया 10 नीचे, यहाँ हो गया 10 नीचे, ठीक, मतलब ये आप बाद में करिएगा, इनको पूरा कैलकुलेट करिए, आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, 1, क्योंकि हमने कर लिया है, तो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप करिए, आपका आंसर आएगा डेफिनेटली, नहीं आएगा तो आप चेक करके मुझे बताइएगा, ठीक है. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हुई हो, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम नहीं करेंगे तो बेटर हमारे लिए ये होगा कि हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल करेंगे, और यही करेक्ट है. सेमी सर्कल की एरिया में से आप ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका शेडेड पोर्शन निकलेगा. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब ये जो भी निकला इसको आप कर दोगे और भी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे आंसर में क्या क्या आएगा, ये कैंसिल होके 107, मतलब 107 × 125 × 125, ठीक है, इतना सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये इट्स अ बिग कैलकुलेशन. कितना देखिए, 10 क्यों होगा, ये भी रॉन्ग है, देखिए ये आ गया आपका, हटा दिया मैंने, ये पूरा हटा रही हूँ, ठीक है. अब देखिए ध्यान से समझिए फिर से, ओके, देखिए मैंने क्या क्या करेक्ट किया यहाँ पे, कि एरिया ऑफ सर्कल नहीं है वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पे ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है. सिंपली यहाँ पे आ गया आपका ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 11. अब यहाँ पे क्या है आपके पास, 11/7 × 12.5 × 12.5, पॉइंट हटा तो नीचे 100 आ गया, ठीक है, माइनस 84. अब आपके पास है ये सब, 125 × 125 × 11/7, जो भी आया 84 से माइनस करोगे, आपका आंसर ये वाला ऑप्शन ए आना चाहिए. आपका अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप मुझे मेल ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ बिगड़ा या क्या कुछ छूटा, ठीक है. तो कैलकुलेशन मैं छोड़ती हूँ पूरी पूरी तरह से आप पे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस ही आप पे छोड़ रही हूँ, बिकॉज इट विल टेक टाइम, एंड इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट योर प्रैक्टिस ऑल्सो. यू शुड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस स्पेशली फॉर कैलकुलेशन, बिकॉज इट विल टेक टाइम इन योर एग्जाम ऑल्सो. सो ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एग्जाम, यू पीपल आर गोइंग टू गिव यू एग्जाम, सो जस्ट डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑन दिस कैलकुलेशंस, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट स्लाइड है ये हमारी, और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस इनटू हाइट बहुत कॉमन एरिया है, इसमें हमको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ना होती है.
हम ये वाला फार्मूला तो हम बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। एरिया स्वेप्ट बाय दिस एंड दैट, ठीक है। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो ये क्या हुआ, 360 है, इसको सेकेंड्स में मिनट में बदले तो क्या आया 6, और 5 में करें तो क्या आया, 5 मिनट्स के लिए कितना डिग्री आया, 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपका 30 डिग्री, 1 मिनट के लिए 6 डिग्री, 5 मिनट्स के लिए 30 डिग्री। तो आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास एरिया निकालनी है आपको। एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, ये 1 जा, ये 12 जा, ये 6 जा, ये 11 जा, आपके पास आ गया 77 अपॉन 6। 77 अपॉन 6 कितना आ रहा है देखते हैं, ये 1 जा, और बहुत ज़्यादा आ जाएगा, देखते हैं कि क्या मिस्टेक हो रही है, फिर से कोई कैलकुलेशन ही होगा जो होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता कुछ भी। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं है, बिल्कुल 12 पॉइंट आ गया आपका 83, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, इट इज़ 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस दिस, ये आपका होमवर्क दूंगी मैं आपको, क्योंकि दिस इज सिंपली एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो यू ऑल कैन डू दिस, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। बहुत कम ही क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए अभी तक के, और करवाए बहुत ज़्यादा हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या और हो सकता है। एक ये भी एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी, इट इज़ योर होमवर्क, क्या है, अ सेक्टर इज़ कट आउट फ्रॉम सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस दिस, सर्कुलर शीट में से एक सेक्टर को कट आउट कर दो, ये पूरा कट कर दो, रेडियस कितना है उसका 100 सेंटीमीटर, ठीक, एंड एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240, ठीक। इफ़ अनदर सर्कल ऑफ द सेक्टर इज सेम एज अ सेक्टर इज फॉर्म देन द फाइंड द रेडियस, एक और सेक्टर कट कर रहे हैं अगर हम इसमें से, तो रेडियस क्या होगा उसका, ये निकालना है। तो दिस इज योर होमवर्क, मैंने सिर्फ एक पार्ट बता दिया आपको, ठीक है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ से मैं हटा देती हूँ ये, क्योंकि आई नीड जस्ट स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये कॉर्ड एंगल 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10, अगर ये 60 है तो सब 60 होगा, ऑफकोर्स, पता है आपको क्यों, अगर ये इक्वल है देन द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट सब 10 सेंटीमीटर, सब 10, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हो गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, आपको मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी है, पहले आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस रूट 3/4 आर स्क्वायर, ठीक है, करते हैं, चलिए 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 लिख सकते हैं इसको आप, या 3.14 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 है आपके पास आर स्क्वायर में, माइनस रूट 3/4, और ये हो जाएगा आपका अगेन 10 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऑलरेडी आ गए, ये 10 को कैंसिल कर देगा दोनों को, यहाँ पे आपका 1 जा, ये आपका 6 जा, 6 के टेबल में आ रहा है क्या ये देखते हैं, 5 एंड 8 नो नहीं आएगा, ये 3 जा, ये आ गया आपका 1 जा, 5 जा और 7 जा, फिर ये नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे है 1, इस साइड कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि उस साइड उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 157 माइनस क्या है आपके पास 100 रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, ठीक है, अपॉन 4, ये कर लिया आपने 25, ठीक, तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे वैसे इसको, 25 हो जाता है, ये आ गया आपका
157 माइनस 25 इंटू 173 ठीक अपॉन 100, जो भी वैल्यू आई आपकी आपको इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली. 25 इंटू 173 करते हैं सॉल्व 15. देखिए हम कहीं कहीं आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, हम बिल्कुल आपके लिए करेक्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है और कैलकुलेशंस प्रॉपरली करना है. कितना आया 4325, कितने में से 15700 में से 4325 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर देखते हैं. ठीक, माइनस किया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये 1. ठीक, क्या है आपका आंसर. मेजर सेगमेंट अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसकी वैल्यू जब निकलेगी उसके बाद अब आगे कोई क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे ये देखा आपने कि क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे 3 भी है हमारे पास, ये 1/3 ये 3 भी है. ठीक है, और यहाँ पे 100 भी है. तो कैलकुलेशंस विल टेक टाइम, हम फिर से कैलकुलेशंस पे ही ध्यान देंगे अभी. ठीक, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं. आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, लेट्स सी. आपके पास है यहाँ पे 157 अपॉन 3 और यहाँ पे आपके पास है 1.73 अपॉन इंटू 25. ठीक, इसको आपने कर दिया ऐसा तो ये हो गया आपके पास 1 ये 4 जा. ठीक है, और ट्वेंटी फाइव था. ठीक है, करेक्ट. फिर आपके पास है 157 अप इंटू 4, 3 इंटू 4 माइनस 173 इंटू 3 इंटू 3. ये जो भी आपका आंसर आया ये है आपका माइनर सेगमेंट का, कितने किसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक, आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा माइनर सेगमेंट का. और आपको अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे माइनर सेगमेंट तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. और वो क्या हो सकता है इस ऑप्शन में से आप ढूंढेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. आप चेक करेंगे आपके कैलकुलेशंस में यही परफेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं. ठीक है, तो ये था आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर. आप क्या किए आप ध्यान से समझो. पहले आपने कॉट से सबटेंड किया एक एंगल 60 डिग्री, वो 60 सब 60, क्यों 60 ध्यान से सुन लो. रेडियस है ये, रेडियस इक्वल साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑल इक्वल एंगल्स तो मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आ जाएगा. तो जैसे ही आपने इन सब के कैलकुलेशन से कुछ आंसर तो निकाला होगा ना, यहाँ पे कुछ आंसर तो निकलेगा. ये है वो फाइनल आंसर आपका, जो भी आपका यहाँ पे निकला. इस फाइनल आंसर को आपने रखा अपने पास और मेजर सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला ही होता है कि पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल में से नहीं, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. जस्ट यू नीड टू पुट योर अटेंशन और द स्पीड इन योर कैलकुलेशन. ठीक है, एंड द करेक्शन शुड बी देयर, द करेक्ट वे ऑफ दैट शुड बी देयर. अब करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर पी क्यू. पी क्यू की वैल्यू दी हुई है आपके पास, पी आर की वैल्यू दी हुई है और ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है जस्ट अभी अभी, इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन किया है. देखिए ये सेम क्वेश्चन है तो इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन, सो दिस कैन नॉट बी डन. हो गया आपका ये क्वेश्चन तो. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है. आप देखिए पी क्यू की वैल्यू 24, पी आर की 7, यहाँ पे अभी अभी की है, पी क्यू की 24, पी आर की 7, तो दिस क्वेश्चन इज डन. सो दिस वॉज रिपीटेड क्वेश्चन, जस्ट कट दिस क्वेश्चन. ठीक, इट इज़ नॉट देयर इन योर लाइक दिस PDF, सो लीव इट. दिस इज द MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल एज वी हैव डन दिस क्वेश्चन.
वेरी लेस क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू फॉर एज होमवर्क. आई होप कि यू ऑल विल डू. एंड इफ यू विल फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी फॉर्मूला बेस्ड, एनी फॉर्मूला डाउट ऑल्सो इफ यू विल हैव जस्ट आस्क टू मी, ओके, थ्रू मेल, बिकॉज मैंने कमेंट बॉक्स बंद करके रखा है. उसके लिए बहुत बहुत सॉरी. ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस अब आपको आ जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा. और क्वेश्चंस अगर आप करना चाहेंगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा. वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम चैप्टर. एंड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चैप्टर था. टफ क्या था, आप ध्यान से सुनिए. टफ था सिर्फ कैलकुलेशन को करना, बाकी तो आप विजुलाइज, अगर आपका, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर से रिलेटेड विजुलाइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए. आपको ध्यान से देखना है उस फिगर में कि क्या हटाना है और क्या ऐड करना है, क्या किससे माइनस करना है. ठीक है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था ना, हमने इसमें क्या मिस्टेक की थी कि पाई आर स्क्वायर में से ट्रायंगल को माइनस कर दी थी, जबकि कोई नीडेड नहीं था पाई आर स्क्वायर. आपको सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करते तो भी आ जाता आंसर, तो ही आता आंसर करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से आपने हर तरह के क्वेश्चन किए और बहुत ही कोशिश की हमने कि आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट ना हो. आशा करती हूँ कि आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहा होगा. आगे भी मैं कुछ चैप्टर्स के, बाकी के चैप्टर्स के इसी तरह से MCQs लेके आऊँगी, assertion reason और case study questions लेके आऊँगी. आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा. मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. मैं फिर आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द अपने न्यू वीडियो के संग. थैंक यू एवरीवन.